हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा और अपन बोर्ड पर भी देख रहे हैं कि आईआईटी नीट विदाउट कोचिंग। अब सबसे बड़ी बात तो मन में बच्चों के ये आ रही है कि मैं रेगुलरली मैथ के वीडियोस बनाता हूँ, आज इस टॉपिक पर सडनली वीडियो बनाने का आइडिया कहाँ से आया और ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूँ। एक्चुअली क्या है स्टूडेंट्स, इसका आइडिया मुझे आया एक नीट को लेकर। नीड क्या थी कि मैं कुछ दिन पहले जो है बैंक गया था अपने होम लोन के काम से। होम लोन का स्टूडेंट्स कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम होना था, तो उसकी वजह से मैं गया था बैंक। ठीक, तो अब वहाँ पर हुआ क्या कि वहाँ मुझे एक गार्जियन से मेरी मीटिंग हुई। तो वो क्या है, वो कोई लोन के लिए प्रोसेसिंग कर रहे थे, तो ITR और फलाना ढिमकाना, तुम जानते हो कि बहुत डॉक्यूमेंट लगते हैं बैंक में, तो वो 15-20 दिन से बैंक के चक्कर काट रहे थे और उनको बैंक ने लोन पर्सनली नहीं दिया। क्लियर। अब मैंने वहाँ पे मेरी मीटिंग हुई, मेरे पास ही बैठे थे, तो मैंने पूछा कि आपको किस लिए लोन चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे एजुकेशन लोन चाहिए, मुझे बच्चे की, मुझे IIT की कोचिंग करानी है और उसको कोटा भेजना है। क्लियर। अब वो करीब 2 लाख रुपए का लोन का लिए अप्लाई कर रहे थे। अब लेकिन क्या हुआ कि अब सडनली, तो वहाँ पर मैंने ये सोचा कि ऐसे तो हजारों बच्चे हो सकते हैं जिनके के पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं हो, क्योंकि आजकल कोचिंग की फ़ीस आप देखो कि एक बिल्कुल एक मीडियम क्वालिटी की कोचिंग भी अपन ले लें, कोटा को छोड़ दें अगर, और अपन लोकल में ही कोचिंग्स को देखते हैं, तो IIT नीट के लिए आज 1.5-1.5 लाख रुपए की पेमेंट लगती है। कोटा में तो उल्टा आप जानते ही हो, कोटा में अगर कोई बच्चा रह के तैयारी करना चाहे, मैं खुद स्टूडेंट्स गवर्नमेंट लेक्चरर से पहले एक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस था, तो मुझे सारी सच्चाई और सारी एजिटिव सिचुएशन संभालो है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैंने न तो रेजोनेंस में जाने के लिए ना गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी भी कोचिंग की कोई प्रिपरेशन नहीं लिए, सारा गेम सेल्फ स्टडी का है। क्लियर स्टूडेंट। ये तो यहाँ पर मैं आपको इसीलिए सेल्फ स्टडी की सच्चाई जो है और कोचिंग का जो आपको हाइप है उसकी पूरी पिक्चर क्लियर करूँगा, तो आप वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि कोचिंग की इतनी ज़्यादा नीड हुई कहाँ से। IIT नीट तो पहले भी निकलते थे, आज से अगर अपन 15 साल पहले देखें तो कई स्टूडेंट्स अपने, कई गार्जियंस के जो फ्रेंड्स हैं या मेरे भी कई फ्रेंड्स ऐसे थे उस समय जिन्होंने IIT नीट क्वालिफाई करा था, और कोचिंग का इतना हाइप नहीं होता था। लोग 11th-12th में जो थोड़ा सा वेल एजुकेटेड रहते थे और उनके कंसेप्ट क्लियर रहते थे, तो स्टेट बोर्ड्स की बुक्स पढ़ के, NCERT की बुक्स पढ़ के ही वो सिलेक्शन को वहाँ पर लेते थे। और अगर आप पिछले करीब 10 साल पहले का क्राइटेरिया देखें, जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं था एडवांस का, जिसको आप आज IIT एडवांस कहते हैं, उस समय वो IIT मेंस हुआ करता था, तो वो स्टूडेंट्स क्या था, उस समय ऑब्जेक्टिव ना होके सब्सक्रिप्टिव हुआ था, और उसका लेवल आप देखेंगे तो अब के लेवल से काफ़ी ज़्यादा था। तो अगर अपन देखें तो अब तो आप देखते हो कि कई एग्जाम्पल ऐसे आते हैं कि जो मार्क्स आपने देखा होगा पिछले लास्ट ईयर ही और इस बार भी जो है कई बच्चों के 360 out of 360 आए थे। तो ये तभी पॉसिबल है जब स्टूडेंट एक मीडियम लेवल का पेपर बना हो। तो आप देख रहे हो जब गवर्नमेंट NCERT पे फोकस कर रही है, तो हमें इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट करने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है भाई। ये तो एक बात हुई। फिर अब आप लोग सोच रहे होंगे तो फिर इतना हाइप बना कैसे। ये हाइप बना स्टूडेंट ऐसे कि जब आप किसी स्ट्रीट से निकलते हो, आपके पेरेंट्स साथ में, तो उनकी नज़र होर्डिंग्स पर जाती है, वहाँ होर्डिंग्स पर लगा हुआ है AIR 1, AIR 2, AIR 100 या 5 सिलेक्शन इन टॉप 100। तो इस तरीके तो गार्जियंस के मन में भी आता है क्यों ना मैं अपने बच्चों को भी इस कोचिंग में भेजूं और उसकी भी हो सकता है कि ये रिज़ल्ट उसका भी हो। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि कोचिंग्स में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, कोई ज़रूरी नहीं सबका सिलेक्शन ही हो जाए। आपको पता है इतनी तो सीट ही नहीं है, है ना, और सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक डेटा बताऊं कि हाल ही में एक 2019 में सर्वे हुआ था IIT और नीट के जो सिलेक्शंस होते हैं ओवरऑल उनको लेकर, तो स्टूडेंट सिलेक्शन में रेशियो क्या निकल के आया
कि 50% बच्चे जो कोचिंग के सिलेक्ट हो रहे हैं, तो 50% बच्चे ऐसे भी सिलेक्ट हो रहे हैं जो नॉन कोचिंग के हैं, यानी जिन्होंने घर पे रह के सेल्फ स्टडी ली है या 11, 12 के कंसेप्ट उनके पहले से अच्छे थे और रेफरेंस बुक की हेल्प लेके, कुछ ऑनलाइन सीख के, कुछ गूगल से नोट्स वगैरह लेके उन्होंने सेल्फ स्टडी करी है। आज आप देखते हो बेटा कि आज है क्या सिस्टम, आज आप देखते हो आप कोई भी यूट्यूब पे आप टॉपिक टाइप करो, उस टॉपिक के कम से कम आपको 30-40 वीडियो मिल जाएंगे। आप कोई गूगल पे नोट्स के लिए टाइप करो, टेलीग्राम पे कोई टेस्ट पेपरों के लिए टाइप करो, सारा मैटर आज बेटा उपलब्ध है। ये पहले क्या था, पहले सिस्टम क्लोज था। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आज से 5 साल पहले की भी अगर अपन बात करें तो कोचिंग्स का ये सिस्टम था कि अपने केवल जो मॉड्यूल होते हैं बस वो मार्केट में रहते थे, बाकी जो नोट्स रहते हैं नोट्स भी स्टूडेंट एक से दूसरे को नहीं देते थे। क्योंकि ये मैं आपको बिल्कुल इसलिए बता पा रहा हूँ सारी चीज़ें क्योंकि मैं खुद कोटा में 10 साल रहा हूँ। तो स्टूडेंट क्या है कि ये सब होता क्यों था, क्योंकि स्टूडेंट सोचता था कि मैंने इसके लिए 1.5 लाख रुपए खर्च करें तो मैं ऐसा दूसरे को फ़ायदा क्यों दूं। अब कई स्टूडेंट हेल्पफुल भी रहते हैं लेकिन कई आप जानते हो कि थोड़ा स्वार्थी भी होते हैं। देखो इस दुनिया है इसमें हर तरीके का व्यक्ति, खैर हमें तो अपने हिसाब से सोचना है कि हमको क्या करना है। तो ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि अब किया क्या जाए। मान लो कोई पेरेंट्स है, अब आप देख रहे हो कोचिंग की तो हाइप हो ही गई जो भी होनी थी, अब उसके पास 1.5 से 2 लाख रुपए नहीं है कोटा भेजने के, और कोई ये 1 साल का भी गेम नहीं है। आप जानते हो तैयारी में 2 से 3 साल भी लगते हैं, तो इस अगर 3 साल की तैयारी कोई मीडियम लेवल का पेरेंट्स अगर कोटा में रह के कराए तो उसको 6-7 लाख रुपए चाहिए, जो कि ईजिली पॉसिबल नहीं है। ईजिली क्या, अच्छे के लिए भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर स्टूडेंट, अगर एक एलीट क्लास को अपन हटा दें तो अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन स्टूडेंट ये है कि अगर आप में पावर है, सेल्फ मोटिवेशन है, सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि 50% सिलेक्शन कोचिंग से होते हैं, तो 50% सेल्फ स्टडी से भी होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये अब यहाँ पर आपको करना क्या है, करना ये है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले जैसे आपको पहले तो क्या है, अगर आप 11 12th में हैं इस समय, जैसे NCERT आप देखते हो पहले तो वो तो मस्ट है ही है। जैसे आप अगर 11th में पढ़ रहे हैं तो 11th की NCERT आपको आनी चाहिए, 12th में पढ़ रहे हैं 12th की NCERT आनी चाहिए। जैसे फिजिक्स के लिए SC वर्मा है, आपकी मैथ के लिए RD शर्मा है ना, इस तरीके से। ऐसे ही आपकी जो एक्सीलेंट की एक बहुत ही अच्छी रेफरेंस बुक आती है कुमार मित्तल की, फिजिक्स के लिए आती है। तो इस तरीके का आप मॉड्यूल इकट्ठा कर सकते हैं और 11, 12th में भी अपने कंसेप्ट को खूब अच्छा कर सकते हैं खुद। क्लियर, अब बात करते हैं 12th पास स्टूडेंट की। 12th पास स्टूडेंट है और विदाउट कोचिंग उसको नीट या IIT में जाना है, एम्स में जाना है और माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो उसको क्या करना है, उसको करना ये है स्टूडेंट, उसको करने होंगे 3 काम। प्राइमरी लेवल पर उसको पहले तो एक स्केड्यूल बनाना है अपना। स्केड्यूल कैसे बनेगा, जैसे आप मान लो IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो 3 घंटे मैथ, 3 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, या आप मान लो PMT की तैयारी कर रहे हैं नीट की तो 3 घंटे बायो, 3 घंटे फिजिक्स और 2 घंटे केमिस्ट्री। इस तरीके का पहले आप 8 घंटे का स्केड्यूल सेल्फ स्टडी का बनाइए, ठीक। पहली बात, डेली अपने को एक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है स्टूडेंट, जितना सिलेबस होता जाए उसके हिसाब से टेस्ट पेपर लेते जाएं। इसके लिए हाँ, टेस्ट पेपर के लिए ज़रूर आप ऑनलाइन कोई ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल आप देखते हो कि जैसे ग्रेड अप है, अनअकैडमी है, आपका जो है कई ऐप आ रहे हैं, या अमेज़ॉन भी अब इस फील्ड में आ गया है, तो आपको टेस्ट कई मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे कई फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे। और मेरा खैर विचार ये है कि पेड ही आप लें तो उसमें एक सिस्टम रहता है मार्किंग का, आपकी डेली टू डेली एवेल्यूएशन रहती है, कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, आपको किस सेगमेंट में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट का सारा पता भी आपको लग जाता है। और टेस्ट की जो ऐप है वो ज़्यादा महंगे नहीं है, आपको 5 से 7 हज़ार रुपये में मेरे हिसाब से नीट या IIT की पूरी टेस्ट सीरीज मिल सकती है, तो टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक। तो अब आपने क्या किया, पहले NCERT रेफरेंस वो बढ़िया पढ़ रहे हो आप, सेल्फ स्टडी में पूरा टाइम मिल रहा है आपको, कहीं भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चों को मैं देखता हूँ कोटा जाते हैं लेकिन वहाँ पर उनको माहौल सूट नहीं करता, वहाँ सिस्टम में अपने आप को ढाल नहीं पाते। तो जब आप अपने घर पे तैयारी करोगे तो एक तो आप रिलैक्स रहोगे, घर का खाना मिलेगा आपको और स्टडी वही होनी है। टेस्ट के लिए आप अपनी, अब जैसे रही
देखो कोचिंग पे आपको बता दूं, कोचिंग वाले का, कोचिंग का जो सिस्टम है वो पूरा किस बेसिस पर है, वो स्टूडेंट बेसिस पर है, रैंकिंग पर। वो करते क्या है कि पढ़ाते कोई खास नहीं, पढ़ाते वही है जो आप सेल्फ स्टडी में पढ़ोगे वही वो पढ़ाएंगे, और आपको डाउट आता है तो आप गूगल यूट्यूब पे जाके डाउट क्लियर भी कर सकते हो। लेकिन कोचिंग का प्लस पॉइंट रहता है रैंकिंग सिस्टम। जैसे 500 बच्चों ने टेस्ट दिया तो उसमें कोचिंग में क्या होता है कि जब रैंक आती है तो बच्चा आगे से आगे अचीव करने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों एक टेस्ट सीरीज में भी हो सकती हैं। जब आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो टेस्ट सीरीज में भी आपको ये रैंकिंग सिस्टम सारा फॉलोअप मिल जाएगा। जैसे आपने कोचिंग में देखा होगा कि कोचिंग में जैसे टीचर जो है जिस तरीके से बच्चे का फॉलोअप करते हैं, उसी तरीके से जो कई ऐप हैं जैसे अमेज़ॉन का मैंने सिस्टम देखा था, उसमें क्या है कि आपको कितना टाइम लगा, कौन से पेपर के कौन से सेगमेंट में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, कौन से में कम टाइम लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों ऐसे भी सॉल्व की जा सकती हैं। क्लियर स्टूडेंट? ये तो आई होप मैंने आपके सभी आंसर दे दिए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप में कुछ कर दिखाने का जुनून है तो स्टूडेंट कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग में ही जाएं, और कोचिंग में जाओ कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोचिंग से एलर्जी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग सारी बुरी होती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इस चूहा दौड़ में हो क्या रहा है, इस रेट रेस में हो क्या रहा है कि जिन गार्जियंस के पास बेचारे पैसे भी नहीं है और उनके बच्चे कर भी सकते हैं, तो ऐसे दोनों कैटेगरी के लिए वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कई मैं देखता हूँ कई गार्जियंस एजुकेशन लोन ले रहे हैं कोचिंग के लिए। अब कोचिंग में जाने का मतलब ये थोड़ी है कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, है ना। और मान लो अगर बच्चा उनका योग्य है, उनको दिख रहा है, तो वो सेल्फ स्टडी से भी जा सकता है। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसमें देखो फ़र्क क्या पड़ता है, अब ये सेल्फ स्टडी वालों का पता क्यों नहीं लग पाता, क्योंकि जब कोई सिलेक्शन होते हैं, जब रिज़ल्ट आता है, तो आप देखते हो जो कोचिंग के स्टूडेंट होते हैं वो हर होर्डिंग पे छाए रहते हैं, हर कोचिंग वाला कि मेरी कोचिंग से भाई ये टॉप 50 आए हैं, मेरी कोचिंग से ये 20 स्टूडेंट हुए हैं, मेरी कोचिंग से ये 2000 स्टूडेंट हुए हैं। तो उनकी नंबरिंग तो पता चलती है, लेकिन ऐसे बच्चे जो कि सेल्फ स्टडी से आए हैं उनके बारे में कोई भी नहीं पूछता, इसलिए सेल्फ स्टडी का इम्पोर्टेंस लोगों को पता ही नहीं चल पाता। क्लियर स्टूडेंट? तो ऐसे मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी कहूँगा कि वो भी सोशल मीडिया के थ्रू बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करें कि भाई सेल्फ स्टडी के थ्रू भी विदाउट कोचिंग से हम इन सक्सेस को ले सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट है तो मुझे वो वीडियो शेयर कर सकता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें बेटा जिन जिन बच्चों का सेल्फ स्टडी से हुआ हो या कोचिंग के क्या प्लस माइनस हैं, आपका कोचिंग में अनुभव क्या रहा है, सेल्फ स्टडीज़ में क्या अनुभव रहा है, वो सभी एक्सपीरियंसेस आप जो है कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी रेफरेंस बुक को आपको मुझसे पूछना है, तो आप बच्चों व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दें, व्हाट्सएप का नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और मैथ की मैं ओवरऑल सीरीज बनाता रहता हूँ, डिफरेंट टाइप के वीडियोस, ट्रिक्स के, कंसेप्ट के, प्रीवियस पेपर्स के मैं लाता रहता हूँ, उन सभी की प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।